Assalamualaikum. A very happy good morning. How is you all? Fine, very good. Yes, students, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? भाई वाकई में आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं. आप लोग ने तमाम होमवर्क जो अब तक मैंने आपको दिया था आप लोगों ने अच्छे से कर लिया ना? Very good. अभी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से काउंटिंग भी सीख ली है, isn't it? फॉरवर्ड काउंटिंग आपको 49 तक बहुत आसानी से आ गई है ना? अच्छा जी, ये बताइए कि कल हमने क्या किया था? कल हमने शेप्स पढ़े थे, isn't it? याद आ गया आप लोगों को? शेप्स में हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखी थी, है ना? डिफरेंट शेप्स की हमने कितनी सारी चीजें देखी थी. और सॉलिड शेप से हमने फ्लैट शेप से बनाए थे ना? आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस की थी? की थी, वेरी गुड. भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग. जो भी काम दो आप लोग हमेशा वक्त पर कर लेते हैं, है ना? वेरी नाइस. अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये देखिए आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आई हूँ. भाई ये तो एक रॉड है. ये एक रॉड है और हम इसे क्या कहते हैं? टॉल. हम इसे क्या कहेंगे? टॉल. क्या कहेंगे? टॉल. रीड विद मी, टॉल. भाई ये बड़ी सी है ना, लंबी सी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? टॉल कहेंगे. टॉल, वेरी गुड. अब ये देखें, ये आ गई उससे भी बड़ी रॉड. उससे भी बड़ी है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? टॉलर. क्या कहेंगे? टॉलर. क्या कहेंगे? टॉलर. रीड विद मी, टॉलर. वेरी गुड. और क्या है भाई, ये देखें ये कितनी बड़ी है. ये टॉलेस्ट. क्या है ये? टॉलेस्ट. क्योंकि ये सबसे बड़ी है. तो हम इसे क्या कहेंगे? टॉलेस्ट. क्या कहेंगे? टॉलेस्ट. चलें अब सबको एक साथ देखते हैं. ये देखिए भाई, ये आ गई सारी रॉड्स एक साथ. तो हम इसे क्या कहेंगे? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. रीड विथ मी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. वेरी गुड. जो सबसे बड़ा होता है हम उसे क्या कहते हैं? टॉलेस्ट. क्या कहते हैं? टॉलेस्ट. वेरी गुड. अगेन रीड विथ मी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम ऐसा करते हैं, बुक के पेज की तरफ चलते हैं. बुक के पेज में हमें क्या नजर आ रहा है भाई? सबसे पहले डेट नजर आ रही है. डेट डालनी आ गई आप लोगों को? आ गई ना? चलें अब हम जल्दी से, आपने अगर डेट डाल ली है तो हम मूव करते हैं आइकन्स की तरफ. करें मूव. वेरी गुड. चलें आइकन्स हमें क्या शो कर रहे हैं भाई? ये फिंगर है और ये फिंगर हमें क्या कहती है? हमें रीड करने के लिए कहती है. क्या कहती है? रीड करने के लिए कहती है. और दूसरा आइकन कौन सा है भाई? कैट है. और ये कैट हमें क्या कहती है? कैट हमें कहती है कि जल्दी से अपने क्रेयॉन्स उठाइए और ब्यूटीफुल सी कलरिंग स्टार्ट कर दीजिए. क्या कहती है? कलर, कलर. वेरी गुड. ठीक है, चलें इस बुक के पेज पे हमें क्या नजर आ रहा है? हमें ट्रीज नजर आ रहे हैं. टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट. सबसे छोटा जो ट्री है हम उसे क्या कह रहे हैं? टॉल. क्या कह रहे हैं? टॉल. टॉल क्या चीज होती है? जो अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़ी रहती है. इज़न्ट इट? तो हम इसे क्या कह रहे हैं?
ट्रीज आपने देखे हैं ना, अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो हम यही कहते हैं ना, कितना टॉल ट्री है. तो हम इसे क्या कह रहे हैं, टॉल. और जो उसके बराबर में ट्री है आप देखें, वो तो उससे भी बड़ा ट्री है ना भाई, दूसरे ट्री से बहुत बड़ा है. तो हम इसे क्या कहेंगे, टॉलर. हम क्या कहेंगे, टॉलर. Say with me, taller. और ये कौन सा है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा ट्री है, जो इन दोनों ट्री से भी बहुत बड़ा है. तो हम इसे क्या कहेंगे, टॉलेस्ट. क्या कहेंगे, टॉलेस्ट. टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. Say with me, tall, taller, tallest. One more time, tall, taller, tallest. Very good. आपने अब क्या करना है, आपने भाई पार्क में जाना है और पार्क में देखना है कि सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है. आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, आपने खजूर का दरख्त देखा है, कितना टॉल होता है ना, याद आया आप लोगों को, बहुत टॉल होता है. इसी तरीके से कोकोनट ट्री है, वो भी देखा है आप लोगों ने, वो भी बहुत ज्यादा टॉल होता है ना. और फिर आप देखेंगे तो उसी के बराबर में आपको एक नीम का ट्री नजर आ जाएगा. वो क्या होगा भाई, कोकोनट ट्री से छोटा होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टॉलर. कोकोनट ट्री को हम टॉलेस्ट कहेंगे और नीम के ट्री को हम टॉलर कहेंगे. और फिर आप देखेंगे उसके बराबर में आपको पपाया का ट्री नजर आएगा, जो कि उन दोनों से छोटा होता है, मगर वैसे वो बड़ा होता है. ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, टॉल. तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से आप प्लांट्स में भी देख सकते हैं कि कौन सा प्लांट छोटा बड़ा टॉल है, कौन सा उससे बड़ा है और फिर कौन सा सबसे बड़ा है. तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट करना है, करेंगे ना. आप अपने गार्डन में जाइए, वहां पर देखिए, वहां पर आपको यकीनन कोई ना कोई प्लांट आपको जरूर नजर आ जाएगा. वो आप उसकी पिक्चर लीजिए, ठीक है, मोबाइल में आप उसकी पिक्चर ले लीजिए और वो पिक्चर आप क्या करेंगे, अपनी टीचर को सेंड कर दीजिए. ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जब शाम में आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी तो आपने उन्हें क्या करना है, आपने उन्हें अपना वर्क भी शो करना है और क्या करना है, उन्हें पिक्चर भी शो करनी है और थोड़ा सा डिस्कस भी करना है अपनी टीचर के साथ. ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.